किसान जो संगठन है समाप्त 40 के आसपास जो किसान है वो इस बस में मौजूद है। तो किसान के साथ जो है वो अलग अलग एक मिनट ये दर्शन पाल जी अंदर पहुंचे हैं, देख सकते हैं जो किसान संगठन है वो यहाँ पर इस तरीके से किसान संगठन है जो विज्ञान भवन अंदर विज्ञान भवन के अंदर जाते हुए और अपने जो दर्शनपाल जी लस्सी के शौकीन ने ते तुसी देख सकते हो कि किसान आगू केंद्रीय मंत्री नाल बैठक तो पहला लस्सी पी के अंदर वल वधदे होए पंजाब दी खुराक पंजाब दी शान लस्सी नाल लेके जांदे होए किसान आगुआं दा कहना है कि अज असी गलबात जरूर करांगे लेकिन साडी जिहड़ी सब तो वड्डी मंग हैगी है खेती कानून रद्द खेती कानून असीं रद्द चाहुंदे आ नाल ही दो बिल होर जिहड़े बिजली स्रोत बिल लस्सी है उसनों भी वो चाहते हैं कि इसमें वापस लिया जाए तो पुरानियों नाल संबंधित जिहड़ा बिल लैके आई है सरकार ते कानून लैके आई है उसके विरुद्ध भी किसान आगू ने उन्होंने कहना कि असं इन्हों पंजे बिलों का विरोध करते हैं कानूनों का विरोध करते हैं। सो तुम देख सकते हो कि जो किसान आगू विज्ञान पवन दी तस्वीर आई है एकजुटता का संदेश तो बिल्कुल एकजुटता का संदेश गलबात सिरे ला के आवांगे जां हां जां ना दे विच गल होएगी उन्होंने कहना है कि असं एक सोच के जा रहे हैं अंदर लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंदर विज्ञान भवन के अंदर जो हॉल है वहाँ पर पापा जी कितने आओ ये हम बेंदी अरे पाजी कितने दे बेच मड़ गए बाबा ठीक है अरे एक बाइट दे दो हो गया बस। देखिए हम जो आंदोलनकारी कहते हैं वो हमेशा ये सोचकर चलते हैं कि रिजल्ट अच्छा निकलेगा, ये हम बेआस होकर कभी आंदोलन नहीं करते। ये ठीक है सरकार ने अपने दाव पेच यूज करने होते हैं वो कर रही है, लेकिन इसमें जरूर है कि अब दिन ब दिन ये आंदोलन जो जन आंदोलन बनता जा रहा है तो सरकार पर ये दबाव बढ़ रहा है तो सरकार जरूर इस पर सोचेगी, सोचने के लिए मजबूर होगी और ये कानून है जो रिपील करने पड़ेंगे सरकार को। और हमारा निवेदन भी है सरकार को कि इन्हें वापस लिया जाए और किसान अपने घर जाए, सरकार के साथ लोगों का झगड़ा खत्म हो। आज पीएम ने भी मीटिंग की अपने मंत्री, अच्छी बात है अगर पीएम मीटिंग कर रहा है। हाँ ये बात अच्छी बात है, जन आंदोलन का दबाव होता है, जन आंदोलन का एक अलग सा दबाव होता है, वो दबाव सरकार सरकारी खाना पानी पिएंगे आज नहीं, क्यों क्या जरूरत है हमें, हमारे पास है ना अपना लेकर आए, हमारे पास अपना सब कुछ होता है। सरकार आज बिलों वापस करने का भरोसा करती है, कानून वापस करने का कि आंदोलन खत्म कर दोगे 8 दिसंबर का जो सत्ता दिता। देखो गल है भरोसा होर चीज है, खत्म करना होर चीज है, भरोसा जाना औखा है, खत्म कर दें तो फिर तो असं डगे मतलब डंका मार के जावे फिर तो बस अभी जाने, लेकिन अगर इन भरोसा च रख दी है सरकार भरोसे से किसान उठने वाले नहीं है। एक बार जाने से पहले अंदर देश के नेताओं को किसानों को और आम आदमी को क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है आज सर। देखिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम अंदर जा रहे हैं, सरकार की जो बार बार ये बात आ रही थी कि ये कानून बहुत बढ़िया है, हमने परसों भी ये बताया था कि सरकार को आज
मजबूर हो चुकी है सरकार ये मानने के लिए ये कानून ठीक नहीं है। पहला तुसी यार करोना तो असी उतो पंजाब चो तोड़ के आए हैं असी किसी दे मास्क नहीं पाए तुसी एवें करोना तो डरी जाने हो गल सुनती नहीं जो तुसी आके ने अज की मीटिंग बहुत अहम मीटिंग है दसवें दिन अहम इस करके है कि असी फैसला करके आए हाँ कि अमेंडमेंट कोई नहीं करवानी तिने कानून रद्द करवाने अज अहम इस करके भी है कि नरेंद्र तोमर तो पीयूष गोयल की मीटिंग प्रधानमंत्री नाल भी हुई है तो राजनाथ नाल भी हुई है इस करके अहम मनी जा रही है अगर ये हल निकल सकता जे प्रधानमंत्री ने कहे हल निकल सकता तिने कानून रद्द कर देन एम एस पी लई नवा ऑर्डीनेंस आ जाए तो दूजे जड़े बिल है तो ऑर्डीनेंस है पराली वाला वो रद्द हो जाए बिजली बिल 2000 रद्द हो जाए तो हल निकल सकता है अगर हल ना अज निकलिया तो अज गलबात टुटेगी गलबात टुटेगी तो अंदोलन तेज होगा पूरा अंदोलन पूरे भारत के अंदोलन फैल जाएगा 8 तरीक को बंद कर देंगे भारत पहला कानून रद्द हो फिर सोचा जाए 8 तरीक को देखो असी पहला भी एक बार 5 तरीक को बंद का सदा दिता सी पूरा पंजाब बंद हो गया सी पूरा भारत बंद हो गया सी हुण जिड्डी वड्डी एजिटेशन बन चुकी है सारे भारत के लोगों दी निगाह लगी हुई है पूरा सहयोग सानू मिल रहा है इतिहासक बंद होगा 8 तरीक को अजिहा बंद कदे नहीं होया होना प्रेर के बंद करावांगे किसी तो जबरी नहीं करावांगे बिल्कुल बंद होगा भारत और उसके बाद फिर सोचेंगे क्या करना आज प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई है सर कैबिनेट की मीटिंग हुई है तो अच्छी बात है उसमें उन्होंने रद्द करने का तय कर लिया है वेलकम है किसानों का नहीं पूरे देश के किसान और देश की जनता जो है वो एकजुट है वहां जाके देखिए धरने में रोज 10 से 15 हज़ार लोग आ रहे हैं और ये धरने जो है दिल्ली के इर्द गिर्द दौर हो जाएंगे इसलिए मेरा ये कहना है कि पूरे देश में आंदोलन फैलेगा देश में जितनी भी कैपिटल्स हैं स्टेट्स की उसकी तरफ लोग बढ़ेंगे आने वाले दिनों में आखिरी आखिरी मीटिंग की हम नहीं बात करेंगे आंदोलन भी जारी रहेगा बातचीत भी जारी रहेगी और इसमें अगर सरकार की मर्जी है कि इस आंदोलन को किसी साइड में लगाना है तो इन तीन कानूनों को रद्द करने का लेकिन पिछले दिन आपने सर चाय और खाना नहीं खाया क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है नहीं नहीं वो नहीं देखिए किसानों को रोष है गुस्सा है इसलिए किसान अपना खाना लेके आए थे वो खाया है कोई इस तरह का बात नहीं है कोई इलविल नहीं तभी तो हम बात कर रहे हैं आज सरकार कैसे सिरे लगेगी क्योंकि कितना कितने सब दी उम्मीदा बनिया है मीटिंग जे देखो वो साढ़े आंदोलन दे विच साढ़े तीन मंगा ने जिहड़ियां मुख जिदे विच है कि तीनों कानून रद्द किए जाण अगर वो तीनों कानूनों नूं रद्द करन वास्ते उन्हां दी कैबिनेट ने फैसला कर लिया है वो सानूं कह दिंदे ने कि असीं रद्द करन वास्ते ऑर्डीनेंस जारी करन लई तैयार है तो सानूं यह अंदोलन करना भी शौक थोड़ा इन्नी ठंड दे अंदर सो उन्हां नूं असल चाहीदा है कि वह चंगी गुडविल दिखाउण ते इन्हां कानूनों नूं रद्द करन दा ऑर्डीनेंस जारी करन दा वादा जेकर सरकार सोध दी गल करदी कि असीं सोध कर दिंदे नहीं नहीं सोध दे बारे साडा यूनैनिमसली फैसला कि असीं सोध दे नाल सहमत नहीं हैगे असीं कानूनों नूं रद्द कराउणा चाहुंदे आ बाकी मंगां ते वी असीं जिहड़ियां साडियां ने एम एस पी ते प्रोक्योरमेंट दी गरंटी वह भी असीं मनवाउणा चाहुंदे आ नालों बिल्कुल कोशिश तो यही आ चंगे मूड ना आए आ पॉजिटिव थिंकिंग आई आ सरकार भी चंगी नीयत दे नाल साडा अज सानूं खुश करके तोड़ दे तो इन्हों वापस लै लवे कानून में साड़ी तो यही मंग है वापस कराए बिना अं नहीं जावे लेकिन सरकार ने सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की है लगता है कि इस पर जो आपका संशोधन करने की सरकार अब जो है वो बात कर रही है एम एस पी को लेकर भी बात कर रहे हैं कि वो लिखित में आपको गारंटी दे सकती है आप लोग मानने के लिए तैयार हैं पहला तो है भी हम कानून रद्द करवाएंगे जो जो बिल बनाए वो पहला रद्द कर फिर एम एस पी पर गारंटी दे हम चले जाएंगे जो 8 तारीख का आप लोगों का भारत बंद का पूरी तरह करेंगे वो जारी रहेगा अगर आज कोई बातचीत नहीं बनती अगर बातचीत बनती है तो वो बातचीत बनती है तो छोड़ देंगे हम जब बातचीत नहीं बनती तो जारी रहेगा तो बिल्कुल हाँ सीधे चढ़ पाएगी आवेगी सरकार के लोग भी आ रहे अपना कट्ठा जो ड्राफ्ट है वो बना कर लेकर आएंगे प्रस्ताव रखेंगे वे किसानों के सामने किसान उनके सामने रखेगा कल जो परसों जो बैठक हुई थी आज सरकार लगता है कि जो लिखित में एमएसपी का जो कानून है वो लिखित में दे सकते हैं हाँ लेकर तो आवे कुछ कुछ वो लिखित पढ़त में आवे उस पर कानून बने लिखित से थोड़ा कुछ होता है कानून उस पर जब बन जाएगा कि एमएसपी से खरीद कम नहीं होगी उसमें सजा का प्रावधान होगा तो ये सारी चीजें आएंगी
बैठक हो रही है, पांचवी बैठक है, लगता है कि कुछ ना कुछ समाधान निकल पाएगा। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि समाधान निकलना चाहिए, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है, हम भी चर्चा करने को तैयार हैं, और जब उन्होंने ढेर सारे संशोधन कर दिए तो उसका मतलब ये हुआ ना कि ये कानून गड़बड़ था, तब तो आप ये संशोधन कर रहे हैं। जब गड़बड़ था तो इसको पूरा निरस्त कर दिया जाए, अब इसका कोई औचित्य नहीं है, तो ये तीनों काले कानून को निरस्त किया जाए और MSP जो 73 वर्षों से किसान को कानून के रूप में नहीं मिला उस पर गारंटी का कानून बनाया जाए। इसके लिए चाहे सरकार को पार्लियामेंट बुलाई जाए और चाहे जो भी करना पड़े, पर जब तक हमको लिखित में काम नहीं चलेगा, जब तक आदेश नहीं मिलेगा सरकार का विधिवत, तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा, चलता रहेगा। लेकिन काका जी, जिस तरीके से सरकार अब संशोधन करने के लिए तो तैयार हो गई है, लेकिन वापस कह रही है कि कहीं ना कहीं ये जो किसानों के हित में है, आपकी मांग क्या है कि कानून जो है वे वापस लिया जाए या संशोधन किया जाए? कानून वापस लिया जाए, सरकार को इतनी समझ होती तो कानून लेके नहीं आती। जब देश के 80 करोड़ किसान कहते हैं कि कानून वापस हो, पूरा अर्थशास्त्री कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, तो सरकार क्यों मड़ी इस पर? हमको ये कानून नहीं चाहिए, आप जबरिया क्यों हमको देना चाहते हैं? इसलिए जब तक तीनों काले कानून निरस्त नहीं होंगे, अध्यादेश जो है वो और MSP कर गारंटी कानून नहीं बनता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन 8 तारीख की जिस तरीके से बात कही जा रही है कि भारत बंद की कॉल आपकी तरफ से की गई है, क्या वो जारी रहेगी? वो भी जारी रहेगी, अगर आज वार्ता में कुछ हल नहीं निकलता है तो आंदोलन जारी रहेगा, तो वो भी जारी रहेगी।